तेज और उसके बाद इसको कर दिया मैंने बंद और ये देख रहे हैं आप। वाओ बिस्मिल्लाह भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई आज शहरी में हमारी छुट्टी है क्योंकि हमारे भाई हसन बना रहे हैं आज हलीम। और हलीम का ये देखें, ये हलीम का कोरमा कभी आप लोगों ने ऐसे देखा है? लेकिन क्यों, किसकी तरकीब है ये? फरहान भटियारे। हाँ, ये फरहान भटियारे की तरकीब से बन रहा है हलीम। जो रोजे के वक्त ये बात कर रहे थे, और ये भाप ये बन रहा है चने की दाल और गेहूं, थोड़े से राइस, थोड़े से राइस, क्योंकि ये रेसिपी है पानी में। फरहान भटियारे, फरहान भटियारे को पता भी नहीं होगा कि ब्लॉग में उसका नाम दबा दिया जाता है जब उसकी तरकीबें यहाँ पे चल रही होती हैं। और कोरमा हम लोग जिस तरह चढ़ाते हैं ये उस तरह नहीं चढ़ा हुआ, ये अलग तरीके से चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये तरकीबें फरहान भटियारे की। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो फिर हम कभी बना के फरहान भटियारे की ये रेसिपी दिखाएंगे अब आप लोगों को। हाँ, कोरमा अभी जब कम्प्लीट हो रहा होगा जब दिखाएंगे, फिर उसके बाद जब मिलाएंगे फिर दिखाएंगे, फिर मिलाने के बाद जब हम इसमें डालेंगे डिश पैन फिर दिखाएंगे, फिर जब मुंह में डालेंगे, फिर जब दस्तरखान पर रखेंगे फिर दिखाएंगे, और फिर जब सर्विंग करेंगे फिर दिखाएंगे, और कल पुलाव के साथ दिखाएंगे, और कल पुलाव के साथ दिखाएंगे। और क्या, हां भैया क्या कह रहा है हलीम? ओ ये पहली बार चढ़ा है बेटा, इसकी ओपनिंग आपने करनी थी, सुबह तो सो हुई है। और ये इसके अंदर गया घी, घी घी गरम होगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे काशिफ फूडी व्लॉगर। काशिफ फूडी व्लॉगर ये समंदर का एक हर जगह मुफ्ता मानने आ रहे हैं, वो सिर्फ क्या बन गए, काशिफ फूडी व्लॉगर। मैं हूँ आपका काशिफ प्रिंस फूडी व्लॉगर, और आज मैं आया हूँ रुस्तम भाई की बिरयानी खाने। निकल जा, घी बड़ा महंगा है, एंड में छोड़ना नहीं है थैली में। हाँ चूस चूस के निकालो इसको तो भाई, हर चीज़ ही महंगी है, किस किस चीज़ को बोलेगा बंदा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नाजरीन, काशिफ फूडी व्लॉगर ने ये चढ़ा दिया, और ये देखो दाल का दाना भी फट गया, देखो गेहूं भी जो बन पर आने लगा है। कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता नहीं है, ये तेज पात है भाई, तेज पत्ता। बस थोड़ा सा और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये फालतू का अदरक का लहसुन का पेस्ट पिटा हुआ। फालतू के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज, महंगी वाली प्याज जिसको काट के आंसू नहीं निकलते, रबड़ की इन्होंने दाल गुड्डी नहीं रखी हुई है, जिसको हम चला यार हम बोल रहे कुछ पीसेगा, लेकिन ये नाजरी ने अंदर जाके खुद ही पिस रही है। कोई नहीं, मैं तो इसी से सारे काम करती हूँ रबड़ की। ये देख रहे हैं आप, काशिफ फूडी व्लॉगर ने इसके अंदर अभी प्याज डाल दिए, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब लाल अपनी जोबन पे होगी तो फिर इसके अंदर डालेंगे मसाले, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद काशिफ फूडी व्लॉगर। यहाँ चमचा कान गया, दिखाऊं तो दालें जो हैं वो हसन भाई ने घोट दी हैं, दालें नहीं सिर्फ दाल और गेहूं, और कोरमा जो है वो भुनने पर है, और शहरी में हलीम रोटी अल्लाह ही मालिक है, पेटों का क्या सकता नाश होगा, क्योंकि कराटे से तो हलीम अच्छा नहीं लगेगा भाई, तंदूर की रोटी ही खानी पड़ेगी। अब रेडी होगा तभी दिखाऊंगी, क्योंकि आज मेरी किचन की छुट्टी है, तो मैं अपना आराम से मोबाइल चला रही हूँ, और हसन भाई सिर्फ किचन में लगे हैं। मैं बस जब हसन घुसता है ना किचन में तो फिर मेरी छुट्टी हो जाती है, ये कुछ ना कुछ बनाता है। ओहो कोरमा डल गया है, फिटाई चल रही है, बहुत गाढ़ा है, अभी पानी डलेगा ना थोड़ा सा। अभी तो काशिफ प्रिंस इसको घुमा रहे जान लगा लगा के। ओए अब ये तो गाइस हम आपको खा कर ही बताएंगे कि काशिफ ने कैसा बनाया है। देखी हुई काशिफ की भी शक्ल सबने,
वाह भाई वाह, जबरदस्त फरहान भटियारे। भटियारे को पता भी नहीं होगा मेरे नाम पे बिल पटा रहा है ऐसे। ये डालते हैं हैंड में कोरमे की तरी। आगे जो है ये अब बनेगा लेवल अलीम का सही। चलो भाई ये हो गया मिक्स। और यहाँ पे भगार के मामला चढ़े हैं और बज रहे हैं अभी इस टाइम पे 2। और इन लोगों का दिल कह रहा है कि हम अभी सैरी कर लें हलीम देख के, लेकिन नहीं, सैरी टाइम पर ही होगी 3 बजे तक। और यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है फुल टॉस। और बारिश में तो हलीम, हाँ VIP मज़ा दे रही है हर चीज़ खाने में मौसम की वजह से। और हसान भाई लगे ही पड़े हुए। यहाँ पे कट रहे हैं लवाजमा खाने के लिए। यहाँ भगार हिल रहा है और अब जाने वाला है बस हलीम के अंदर। नाजरीन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं हूँ काशिप फूडी ब्लॉगर। और अब मैं इसके अंदर ये डालने वाला हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको भी कर दिया तेज और उसके बाद इसको कर दिया मैंने बंद। और ये देख रहे हैं आप, वाओ बिस्मिल्लाह भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। और मैंने टेस्ट करके देख लिया हलीम वाकई VIP बना हुआ है। वल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। काशिप प्रिंस कामयाब माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। इसको अम्मी को फोन करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से रोजाना की सुबह ऐसी कोई हो रही है ना, गीली गीली ताजी ताजी। वेरी गुड। फिर बारिश ठंडी पर ठंडी बढ़ती जा रही है और बारिश होते जा रही है। बुलबुलों वाली बारिश है भाई। VIP मौसम VIP रोजे जा रहे हैं VIP रोजे। कैसे दे रहे हैं आलू? अच्छा हाँ 2 किलो दें। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न समझ लें या शॉर्ट समझ लें या ब्रोस समझ लें जो भी समझ लें। तो मैंने छोटे छोटे पीस चिकन के ले लिए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ अंडे की सफ़ेदी। इसमें थोड़ी सी जर्दी भी सरक के मुझसे आ गई लेकिन मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, आधा मैंने रोक लिया क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी जो है वो ज़रा कम है। ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा सोया सॉस। बोलती मैं थोड़ा हूँ डाल के चला जाते। अच्छा भाई ब्लैक पेपर और सॉल्ट। एंड जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेश ले रही हूँ। ये हो गया हमारा चिकन का मामला। अब मैं इसका कोटिंग का तैयार करती हूँ। मैदा इसको लगा के मैं एक साइड पे रख दूँगी। देखिए वाओ जबरदस्त। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 चम्मच के जितना तकरीबन मैदा। ये बच भी जाएगी तो हमारे बाद में काम आ जाएगी। और 1.5 टेबल स्पून के जितना मतलब इसी का हाफ
कॉर्नफ्लोर ये ले लिया, इसमें जल्दी पिसी हुई लाल मिर्चें, और थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी चिकन पाउडर। ये लिया चिकन पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, और आपके पास अगर पाउडर में जिंजर गार्लिक पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी ये भी ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्चों के पकौड़ों के लिए ना मैं ऐसे काट रही हूँ। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारा कोटिंग का ड्राई मिक्सचर भी रेडी और चिकन हमारी रेडी है। तो भाई मैंने ले लिया है ठंडा दूध, ये हमारी वही चिकन है, ये हमारा वही ड्राई मिक्सचर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही हमें ट्रिक आजमानी है, गीले हाथ सूखे में नहीं डालने, सूखे हाथ गीले में नहीं डालने। पहले हम मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि करना क्या है। ये मैदे में इसको कोट किया अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको हम इस दूध में डालेंगे, फिर हम इसको मैदे में कोट करेंगे। ये आप दो बार भी कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं, चार बार भी कर सकते हैं, जितना आप इसकी कोटिंग अच्छी चाहें उतना। मैं इसको तकरीबन दो बार करूँगी। और ये हमारा हो गया है डन। अब मैं अपने समोसे की फिलिंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिए हैं आलू, अंडे, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी हरी प्याज, और मैं इसमें चीज़ भी ऐड करूँगी। अंदर चीज़ हरी प्याज चल ओ, अभी इसमें गए आलू, इसको कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स करेंगे और सब्जियों के पानी छोड़ने से पहले पहले हम इसके अंदर अपने तमाम लवाजमात डाल देंगे। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, क्योंकि बहुत जरूरी, इसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा है। सॉल्ट, थोड़ी सी मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, और जाएगा इसमें सोया सॉस और चिल्ली सॉस, सोया चिल्ली डाल दिया, ये चिल्ली सॉस। अब इसमें जाएंगे एग, और बस फिर हम इसको उतार लेंगे, और फिर इसमें जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर चेडर चीज डालेंगे मैं, तो डाल के और फिर समोसे को फिल कर देंगे। आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, मुझे जो फ्लेवर पसंद है मैं फिर वो ऐड करते हैं। इसमें अंदर डालेंगे मैंने इसमें ऐड कर दिया, मेरी मज़ेदार सी फीलिंग रेडी है। अब इसके अंदर ठंडा होने रखती हूँ मैं इसको। यहाँ बन रही है आलू की चाट, आज फ्राई वाली नहीं बन रही है, आज बन रही है इमली और मसाले वाली चाट। ये इसमें इमली का पानी, ओए इमली भी चली गई, चलो निकाल लेंगे। ये इसमें इमली का पानी, उसके बाद इसमें जाएगा हमारा मसाला।
मसाला खाने गया यार, पहले तो इसमें डाल दूंगी मैं चाट का मसाला। और ये गया इसमें हमारा किचन किंग मसाला, और ये बन गए हमारे यम्मी से आलू, रेडी हो गए। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। आ गया स्पून, ये हो गया रेडी। इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं ना, तो और अच्छा थोड़ा सा फ्लेवर बनता है। लेकिन इमली का भी ये पानी है ना, ये भी बहुत है। ये कुछ इस तरीके से बन के निकलेंगे, ये देखें। और अजान हो गई है, बस हम फटाफट। तो चलें जी, इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। दस्तरखान पे इतनी हड़ाहुड़ी मस्ती है, दस्तरखान लगाते टाइम के हम उस टाइम पे वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। हिंजा भी अब नींद में हो रही है, लेकिन सोएगी नहीं, सैरी करके ही सोएगी, चाहे जितना भी इसको नींद आ जाए, अपनी नींद भगाती है ये। इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।